नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली की सियासत में हुए बड़े उलटफेर की। मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी को चिट्ठी की। देखेंगे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार को। जम्मू में पहले चरण के चुनाव को जानेंगे। महाराष्ट्र एनडीए में छिड़ी रार को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिलाओं की आजादी को लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। कहा, महिलाओं को छूट नहीं अधिकार दीजिए, कानून से नहीं सोच से बदलता है समाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश बोले, अगर मणिपुर की स्थिति उतनी ही सामान्य है जितनी शाह ने बताई है तो पीएम ने राज्य का दौरा क्यों नहीं किया। भारतीय हॉकी टीम ने चीन को उसके घर में हराया। फाइनल मुकाबले में 1-0 से दी चीन को मात। 5वीं बार जीता चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 90 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 83,079 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 34 अंकों की बढ़त के साथ 25,418 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली की सियासत में बड़ा फेरबदल सामने आया है। दिल्ली को नया सीएम मिल गया है। अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ आतिशी समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। केजरीवाल ने एलजी को इस्तीफा सौंपा और इसके कुछ देर बाद आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इससे पहले आज सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी विधायकों की तरफ से विधायक दल के नए नेता का चुनाव किया गया। अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल के नेता के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होंगी। नाम का ऐलान होते ही आतिशी ने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया और दिल्ली की जनता से भावुक अपील की। आतिशी ने कहा कि उन्हें बधाइयां ना दी जाएं। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब केजरीवाल के इस दाव ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन केजरीवाल ने आखिरी समय पर बीजेपी की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब देखना होगा कि केजरीवाल का ये दाव बीजेपी को कैसे भारी पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। केजरीवाल के दाव ने बीजेपी को पस्त कर दिया है। बीजेपी टेंशन में है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिक्र किया गया है। खड़गे ने पीएम मोदी से एक जरूरी मांग भी की है। तो क्या है खड़गे की चिट्ठी में, देखिए इस रिपोर्ट में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी बीजेपी नेताओं की बयानबाजियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने पीएम को लिखी उस चिट्ठी में तरविंदर सिंह मारवाह और रवनीत सिंह बिट्टू सहित तमाम बीजेपी नेताओं के बयानों का जिक्र किया है। इन नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर हाल ही में आपत्तिजनक बयान दिए थे। इसे लेकर खड़गे ने शिकायत करते हुए पीएम से इन बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। खड़गे ने चिट्ठी की तस्वीर के साथ एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी ना हो। मैं भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं के हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही अगली पोस्ट में खड़गे ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में खड़गे ने कहा है कि ऐसे नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाए, उचित आचरण का निर्देश दे और उचित आचरण निर्देश के अलावा मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को पार्टी के बाहर निकाला जाए। अब देखना होगा कि अपने नेताओं की इस बयानबाजी के खिलाफ पीएम मोदी कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। एक तरफ खड़गे के पत्र से पीएम मोदी दबाव में दिखाई दे रही हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई की। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि 1 अक्टूबर तक अदालत की इजाजत के बिना किसी भी तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। यह आदेश सार्वजनिक जगहों पर हुए अतिक्रमण हटाने पर लागू नहीं होगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वैधानिक अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। हालांकि पीठ ने कहा कि अगर 2 हफ्ते तक तोड़फोड़ रोक दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, अपने हाथ थाम लीजिए, 15 दिनों में क्या होगा। मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। बता दें कि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि डिमोलिशन एक धर्म विशेष के लोगों के घरों को लेकर हो रहा है। याचिकाकर्ता जमीयत उलमाए हिंद का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। 2 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। भले ही वो एक दोषी हो, फिर भी कानून के जरिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि गाइडलाइन बनाई जाए जो पूरे देश में लागू हो। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे थे। बुलडोजर एक्शन पर केंद्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के लिए हालात कुछ खासा अच्छे नहीं दिख रहे। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव आयोग की तैयारी अभी पूरी हो चुकी है। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है, तो कौन किसे देगा टक्कर और किसका पलड़ा होगा भारी, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज है। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें 8 सीटें जम्मू डिवीजन की है तो 16 सीटें कश्मीर घाटी में है। 10 साल बाद हो रहे इन चुनावों में इस बार कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 9 उम्मीदवार महिलाएं हैं और 92 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों के हलफनामों से मिली जानकारी के तहत 110 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं, तो 36 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। चुनाव में अनंतनाग के बिजबेहरा में पीडीपी की तरफ से पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, बीजेपी के सोफी यूसुफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के बशीर अहमद वीरी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तो पंपोर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी और पीडीपी के जहूर अहमद मीर के बीच कांटे की टक्कर होगी। त्राल सीट पर पीडीपी के रफीक अहमद नाइक का मुकाबला कांग्रेस के सुरिंदर सिंह से है। तो पुलवामा में पीडीपी के वहीद उर रहमान पारा का मुकाबला मोहम्मद खलील बंद से होगा, जिन्होंने 2008 और 2014 में पीडीपी के लिए सीट जीती थी, लेकिन अब वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र डूरू में पीडीपी के मोहम्मद अशरफ मलिक कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम अहमद मीर को चुनौती देंगे। ऐसे में ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। तो वहीं घाटी में बढ़ते हमलों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा बलों की भरपूर तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर में अब किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में जरूर एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है। महायुति में सीट बंटवारे को लेकर पेच पहले से ही फंसा हुआ है और अब सीएम पद को लेकर भी पेच फंस गया है। अजीत पवार ने बड़ा दावा कर दिया है, जिसने बीजेपी और शिंदे दोनों की नींद उड़ा दी है, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र एनडीए में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ सहयोगी दलों में सीट बंटवारे पर राड़ छिड़ी हुई है, तो अब एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने भी बड़ी डिमांड रख दी है। उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उनके इस बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। गणपति मंदिर में पूजा के बाद अजित पवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हर कोई चाहता है कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। जब मैं ये कहता हूं तो मैं भी इसमें शामिल हूं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना होगा। हर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने सीएम पद पर दावा ठोका है। उन्होंने इससे पहले भी संकेतों में ही सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी। तब अजित पवार ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर 99 में शुरू हुआ, एकनाथ शिंदे का करियर 2004 से शुरू हुआ, मैं वहीं का वहीं रह गया हूं। मैंने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि अगर उन्होंने मुझसे कहा होता कि मुख्यमंत्री बनना है, शिंदे की जगह मैं पूरी की पूरी पार्टी लेकर आ जाता। तब तो अजित पवार ने साफ डिमांड नहीं रखी थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी डिमांड जरूर साफ कर दी है। जबकि एनडीए एक बार फिर सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में एनडीए में तकरार तेज हो सकती है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है।
महाराष्ट्र चुनाव से पहले राज्य की सियासत में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कोलकाता मामला भी सुर्खियों में है। कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार से लेकर विकिपीडिया तक को खूब सुनाया। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुराचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर सवाल उठाया। सिब्बल ने अदालत में कहा कि उनके पक्ष के वकीलों को सड़क पर मौजूद लोग धमकी दे रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर किसी महिला वकील को धमकियां मिल रही हैं तो कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा। तो वहीं कोर्ट ने विकिपीडिया को पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार के रातिरेड़ साथी योजना के तहत महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले को गलत बताया। कोर्ट ने कहा सरकार का काम उन्हें सुरक्षा देना है, पायलट सेना जैसे सभी प्रोफेशन में महिलाएं रात में काम करती हैं, सरकार का ये फैसला गलत है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई स्थगित करते हुए अगले हफ्ते की तारीख दी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच हुई सहमति पर राज्य सरकार ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की छुट्टी कर दी गई है। मनोज वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अभी तक अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया है। ममता सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं भारत चीन की सीमा पर चीन का अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन एक के बाद एक चीन की मनमानी सामने आ रही है, और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। भारत की सीमा के नजदीक चीन ने फिर सैन्य निर्माण कार्य तेज कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार सवालों से घिर गई है। देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार घिरते हुए नजर आ रही है। चीन की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। ताजा सैटेलाइट इमेजेस में खुलासा सामने आया है कि अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित भारतीय सीमा की दूसरी तरफ चीन का एक बड़ा सैन्य निर्माण जारी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक हेलीपोर्ट बना रही है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस निर्माण से चीन की अग्रिम चौकियों पर सैनिकों को भेजने की क्षमता बढ़ जाएगी। हालांकि बीते हफ्ते ही चीन ने ऐलान किया था कि वो गलवान घाटी समेत चार जगहों से अपनी सेना को पीछे हटा रहा है, और अब यह नया खुलासा सामने आया है जो कई अहम सवाल खड़े करता है। चीन ने इसके पहले जुलाई में पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो पर अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक पुल का निर्माण पूरा किया था, जिससे उसके लिए इस क्षेत्र में सैनिकों की आवाजाही आसान हो गई। और हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से ही खुलासा हुआ था कि चीन भारत की सीमा के पास एक पूरा हाईटेक गांव बसा रहा है, जिससे भारतीय सीमा पर पैनी नजर रखी जा सके। कांग्रेस तो लंबे वक्त से मोदी सरकार से चीन के मुद्दे पर कठोर फैसले की कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया है कि नरेंद्र मोदी का अथाह चीनी प्रेम भारत की आर्थिक और भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से ना कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ही कोई कार्रवाई। ऐसे में ये सैन्य निर्माण मोदी सरकार की नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई खास काम तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो LG की टेबल से ही तय होता है। फिलहाल देखते हैं उनकी नई पारी आतिशी होगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।